हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है मी 11X के अंदर वन ऑफ द मोस्ट या फिर आप बोल सकते हो एडवांस्ड रॉम इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन। और मैं बात कर रहा हूँ एंशियंट ओएस के लेटेस्ट 6.4 अगस्त अपडेट की, जो कि मैंने मी 11X या फिर आप बोल सकते हो पोको F3 के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। एंड इस रॉम के अंदर इनसेन कस्टमाइजेशंस है जो आपने पहले किसी भी जो है अदर कस्टम रॉम के अंदर एक्सपीरियंस नहीं की होगी, तो वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। बट प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और MIUI SR के लेटेस्ट अपडेट का रिव्यू आ चुका है विद प्रोज एंड कॉन्स, वो आप वीडियो चेकआउट करना चाहते हो तो डेफिनेटली वीडियो चैनल पे है, चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे रोम के अबाउट फोन पेज की, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सेटिंग्स है उसको मैंने कुछ इस तरीके से रीडिजाइन कर रखा है। इवन यहाँ पर जो एनिमेशन है वो आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगे। बट मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल, इसके लिए डिफरेंट आपको एक सेक्शन दूंगा जिसके अंदर सिर्फ कस्टमाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट फोन पेज की बात करेंगे तो एंशियंट ओएस वर्जन 6.4 यहाँ पर जो है आप देखोगे तो शील्ड नेम से आपको अपडेट मिलता है, डिवाइस मी 11X है। उसके बाद यहां पे एंड्रॉइड वर्जन 12.1 मिलता है, अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल है। उसके बाद OGREV आपको यहां पर जो है कर्नल देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सिलिनक्स स्टेटस आपका इस रोम के अंदर वैसे एनफोर्सिंग है, तो सबसे पहले आपका जो डिवाइस है रोम के अंदर सर्टिफाइड है। उसके बाद वाइडबैंड L1 आपको मिलेगा और यह आपको गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग मिल जाती है। और जो चार्जिंग स्पीड है मैक्सिमम कुछ ये वाली मेरे को देखने को मिली, एंड चार्जिंग के टाइम में मैक्सिमम जो टेम्परेचर गया 41 डिग्री के आसपास था। एंड 41 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर होगा तो जो डिवाइस है वो आपका 3000 मिलीएम्पियर के आसपास जो है चार्ज होगा, तो ये आपको कुछ सीन देखने को मिल जाते हैं। अब सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पर 94% तक सीपीयू थ्रॉटल होता है, मैक्सिमम GIPS 226,000 के आसपास और एवरेज आपको मिलेंगे 219,000 के आसपास। और ये आपको यहाँ पर Geekbench 5 के स्कोर्स देखने को मिलते हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद वाइल्ड लाइफ टेस्ट के अंदर ये वाले स्कोर्स आपको मिल जाते हैं। इस रोम में जो आपको स्टॉक कैमरा मिलता है वो BSG 8.1 है, आई थिंक आपको मैं दिखा देता हूँ, तो ये आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है। आई थिंक आपको 8.4 या फिर 8.2 देखने को मिलेगा, तो ये वाला जो कैमरा वो आपको इस रोम में इनबिल्ट देखने को मिलता है। एंड अगर आप यहाँ पर चेकआउट करना चाहते हो स्लो मोशन वीडियोस वगैरह आप अप टू 1/8x तक भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी वीडियोस आप 4K 60fps विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर अर्नोवा 8.1 भी ट्राई कर सकते हो, वो आपके लिए वर्किंग है और मैंने रिकॉर्ड भी किया है, कोई मेरे को दिक्कत वगैरह यहाँ पर नहीं आई। नाउ इस रोम के अंदर जो एनिमेशन है वो आपको कैसे मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रोम में आपको पिक्सल लॉन्चर मिलता है, सिर्फ आई थिंक इस रोम का यही पार्ट है जिसके अंदर आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलती, बट ये एक कस्टमाइज्ड पिक्सल लॉन्चर है जिसमें आप चेक करोगे तो डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो आपने पिक्सल लॉन्चर के अंदर ये वाला चीज पहले नहीं देखा होगा, इसके अंदर मिल जाता है, ये मॉडेड पिक्सल लॉन्चर है। इवन आप वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आओगे तो जो ग्रिड्स है ना वो अप टू 12x12 तक आपको मिल जाएंगे, सो ये भी एक आपके लिए बेनिफिशियल चीज है। अब क्विक सेटिंग पैनल को पुल डाउन करने में बिल्कुल भी आपको लैग नहीं आने वाला जो एक्सपीरियंस है रोम का, आप अगर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड देखोगे तो वो काफी ज्यादा फास्ट एंड काफी ज्यादा आपको यहां पर स्मूथ देखने को मिलती है, बिल्कुल भी रोम के अंदर इश्यूज आपको नहीं आने वाले। जो एक्सपीरियंस है ना रोम का माइंड ब्लोइंग आपको मिलता है, बटरी स्मूथ यूआई है और हैप्टिक्स भी आपको लाइक MIUI टाइप यहां पर फील होने वाले हैं। लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड्स हैं इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आप चेक कर सकते हो, स्क्रोलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके साथ यहां पर ये वाला बग आपको फिक्स्ड मिलता है विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट मॉडेड पिक्सल लॉन्चर। सेटिंग के अंदर आ जाते हैं एंड सेटिंग के अंदर मैं पहले कस्टमाइजेशन की बात करूंगा, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइजेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको फीचर का ऑप्शन मिलता है, स्टेटस बार के अंदर आओगे यहाँ पर आपको स्टेटस बार आइटम्स क्लॉक एंड डेट की कस्टमाइजेशन बैटरी सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ, तो इतने ज़्यादा ऑप्शन आपको यहाँ पर बैटरी स्टाइल्स के लिए मिलते हैं। इवन इसका कस्टम डायमेंशन आप बना सकते हो, बैटरी की जो इमेज है उसको फ्लिप कर सकते हो, बैटरी लेआउट को फ्लिप कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, कस्टम चार्जिंग है आइकॉन मिल जाएंगे, पेरीमीटर अल्फा, ये कुछ डिफरेंट से जो है बैटरी आइकॉन्स के लिए आपको मिलते हैं। उसके बाद यहां पर स्टेटस बार के अंदर ट्रैफिक इंडिकेटर के रिगार्डिंग भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, एंशियंट लोगो है, 4G आइकन, वॉल्टी आइकॉन्स 24 टाइप्स के आपको मिलते हैं, वो वाईफाई आइकॉन्स ऑलमोस्ट 7 टाइप्स के या फिर 8 टाइप्स के आपको मिलेंगे। उसके बाद स्टेटस बार लेआउट टाइप आपको मिल जाता है, हाइट, उसके बाद इसका जो है सिग्नल स्टाइल आप यहां पर लगा सकते हो, डेटा आइकॉन स्टाइल है, उसके बाद मोबाइल टाइप कस्टम लेआउट मिलेगा जिसमें देख सकते हो पैडिंग को भी चेंज कर सकते हो,
काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद थीम्स की बात करेंगे, जो सेटिंग का आपको मैंने यूआई दिखाया वो कुछ मैंने यहाँ से इनेबल किया और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप इसको ऐसे भी इनेबल कर सकते हो, थीम्स के अंदर जाना है, उसके बाद सेटिंग्स का जो यूआई है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर लो। बाकी यहाँ पर एनिमेशन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो जो स्वाइप वाले हैं, स्विच स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हो, ये जो स्विचेस हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इनिशिएट सेटिंग स्टाइल देखने को मिलता है, इसको आप कार टाइप में कर सकते हो, डैशबोर्ड शेप कस्टम कर सकते हो, ग्रिड के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, राउंडेड बेस लेआउट कर सकते हो, सेटिंग बेस लेआउट स्टाइल आपको एंड्रॉयड 12 वन यूआई उसके बाद ओल्ड स्टाइल मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। अबाउट फोन पेज स्टाइल भी आप ऑक्सीजन ओएस टाइप या फिर स्टॉक टाइप लगा सकते हो। देन आप यहाँ पर ब्लरीफाई बैकग्राउंड कर सकते हो, लेयर बैकग्राउंड का ऑप्शन है, कस्टम या फिर कॉर्नर रेडियस स्टाइल आपको मिलेगा, हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, आइकन पैक्स आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, सिग्नल आइकॉन है, वाईफाई आइकॉन है, आइकॉन शेप्स आपको मिलती है, मॉनेट इंजन आपको मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको इस रोम के अंदर देखने को मिलती है। अब क्विक सेटिंग पैनल की बात करेंगे तो क्विक सेटिंग पैनल बैकग्राउंड ओपेसिटी का ऑप्शन है और यहाँ पर आप जो है काफ़ी ज़्यादा तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने इसको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं किया, आप कैसे भी कर सकते हो। ब्लर बिहाइंड क्विक सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से वर्किंग है, सो इसको आप चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस लाइटर ना इसका जो कस्टमाइजेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर स्टाइल्स आपको काफ़ी सारे मिलते हैं, तो चेकआउट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपको पसंद है ना वो आप चीज़ें यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। एक सिंगल एलिमेंट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। क्विक सेटिंग रोज एंड कॉलम का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आप कस्टमाइज़ कर लो। टाइल के अंदर टिंट मिलेगा, उसके बाद इनएक्टिव टाइल के अंदर टिंट मिल जाएगा, क्विक सेटिंग टाइल का ऑप्शन आपको मिलता है, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंगली ट्राई कर सकते हो। ग्रेडियंट स्टाइल है, इसको अप्लाई चेंज करना होगा, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब क्विक सेटिंग फुटर एनिमेशन है, उसके बाद यही सारे नॉर्मल से ऑप्शंस आपको नीचे और मिलेंगे। पावर मेन्यू में एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन है और जेस्चर्स की बात करें, एओएसपी जेस्चर्स हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे पिल की हाइट, मार्जिन बॉटम, पिल की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर लो और काफ़ी ज़्यादा आप इसको चेंज कर सकते हो बेसिकली। और हैप्टिक फीडबैक को यहाँ से ऑफ कर देना, अगर अदरवाइज आपको डबल हैप्टिक्स फील होने वाले हैं जब आप जो है जेस्चर्स को यूज़ करोगे। थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट है, उसके बाद नेविगेशन बार के अंदर ऑप्शंस आपको मिलेंगे और नेविगेशन बार स्टाइल्स आपको दिखा देता हूँ कितने सारे आपको मिलते हैं। और लॉक स्क्रीन के अंदर क्लॉक्स है ना वो आप चेक कर सकते हो, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, उसका जो फॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर और एडिशनल लॉक स्क्रीन क्लॉक फीचर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। चार्जिंग इन्फो है, एओडी आइकॉन्स इन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिलेगा और नोटिफिकेशन के अंदर किल ऐप बटन का ऑप्शन है, कलर नोटिफिकेशन आइकॉन है और मटेरियल डिसमिस बटन का ऑप्शन आपको मिलेगा। इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस हैं। एनिमेशंस के अंदर चार्जिंग एनिमेशन, बैटरी के अंदर स्मार्ट पिक्सल्स हैं, मिसलेनियस में जिटर, हाईर एफपीएस हाई और गूगल फोटोज़ के रिगार्डिंग स्पूफिंग मिल जाएगी। फ्रेम रेट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिलता है अप टू 120 हर्ट्ज़ का और वो आप इनेबल कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलती हैं। बाकी एंशियंट यूआई स्विच आप कुछ इस तरीके से इनेबल कर सकते हो, ये जो आप एनिमेशंस देख रहे हो ना ऊपर, तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्लॉक स्टाइल्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, उसके बाद क्लॉक ग्रेविटी आप सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हो, ऑक्सीजन ओएस स्टाइल बटन बैकग्राउंड मिलता है, उसके बाद डेटा यूसेज रिप्लेसमेंट है ना उसको आप, मैंने अभी यहाँ पर लगा रखा है, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो और हेडरी मेज तकात भी आप यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फुल विड्थ नोटिफिकेशन है और वॉल्यूम के अंदर जो कस्टमाइजेशन है वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे, वॉल्यूम बैकग्राउंड कलर है, रैम यूसेज है और इस जो इन्फो है ना इसको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो रैम की। बाकी ये अबाउट फोन पेज है और आपको मैं यहाँ पर सेक्शन चेक करवा देता हूँ। मैंने ऑक्सीजन ओएस टाइप स्टाइल यहाँ पर इनेबल कर रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अब भले ही आपको यहाँ पर रोम के अंदर इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलती है, बट अगर आप पूछना चाहते हो तो कि इसका गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है, तो वो भी आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है। मैंने 90 FPS के अंदर जो है गेमिंग ट्राई किया और जो यहाँ पर एम असिस्ट हो या फिर जो स्मूथनेस हो 90 FPS के अंदर, जो फ्रेम्स आपको ये हैंडल करके देता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और मैं कुछ और कस्टम रोम भी आपको रिकमेंड कर देता हूँ मी 11X के लिए, अगर आपको कोई गेमिंग रोम चाहिए और थोड़ा प्रॉपर सा एक स्टेबल सा एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप चेरिश ओएस को ट्राई कर सकते हो, सिया ड्रॉयड 8.8 को ट्राई कर सकते हो और भी काफ़ी सारी रोम्स, अभी मैं नाम भूल चुका हूँ और मैं रिव्यूज़ जैसे रेगुलर बेसिस पे डालता, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको थोड़ी बेटर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन सी रोम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। फिलहाल
VR ROM में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। वैसे एक चीज़ है, यहाँ पर जो डिवाइस था ना मेरा, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में जब गेम खेली तो 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला गया, बट परफॉर्मेंस के अंदर मेरे को बिल्कुल भी ड्रॉप देखने को नहीं मिला। बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इस रोम के अंदर मिलती है, एंड नेक्स्ट लेवल या फिर एडवांस्ड कस्टमाइजेशन के साथ में जो रोम है वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबल सी फील होने वाली है, कोई भी ऐसे मेजर प्रॉब्लम आपको रोम के अंदर नहीं आएगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।